हेलो फ्रेंड्स, मैं मसूद मेहंदी रिजवी, आपका दोस्त, आज फिर हाजिर हूँ अपने चैनल TM सर्विसेज पे। फ्रेंड्स, आज एक एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो एक्सपीरियंस ये है कि आज से 2 दिन पहले मेरे पास एक कंप्लेन आई। मेरा फेसबुक पे TM सर्विसेज के नाम से एक पेज है, उस पे एक कस्टमर की मेरे पास मैसेज आया और उसमें उसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रखा था। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपना दिया और उसके बाद उसका कॉल आया मेरे पास। मेरा रेगुलर कस्टमर नहीं था, मेरा जो है न्यू कस्टमर था। उसने मुझे कॉल किया और कॉल करके फिर मुझे अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम को बताया। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसने एक स्प्लिट एसी था, उसने अपना हाउस शिफ्ट किया, अपना पुराना घर छोड़ के एक नए घर में उसने शिफ्ट किया। तो उसने किसी जो भी उसके यहाँ टेक्नीशियन काम करता रहता था उससे उसने अपना एसी उस न्यू होम में, नए घर में इंस्टॉल करवाया। उस इंस्टॉल करने के बाद उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसका रिमोट काम नहीं कर रहा था, बाकी एसी ओके था, एसी में कूलिंग हो रही थी, एसी सही चल रहा था, लेकिन रिमोट नहीं काम कर रहा था। उसके बाद उसने जो है उस जिससे उसने लगवाया था उस टेक्नीशियन को उसने कॉल किया और उसको बुलाया और उसको ये प्रॉब्लम बताई। लेकिन जैसा कि उसने बताया, 3-4 बार वो आया और उसने से सब कुछ किया, लेकिन वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व नहीं हुई। तो उसने मेरा पेज देख रखा था, उस पर मुझे मैसेज किया और मेरा नंबर मांगा और फिर मुझसे बात हुई। तो उसने पूरी डिटेल हमको बताई, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आके देखता हूँ। तो मैं अभी 2 दिन पहले वहाँ पे गया और मैंने जो है उस चीज़ को चेक किया, तो उसका एसी बिल्कुल सही काम कर रहा था, कूलिंग अच्छी थी, सर्विस था, सब कुछ सही था, लेकिन रिमोट जो है उसका बिल्कुल नहीं काम कर रहा था। और रिमोट को मैंने पूरी तरह चेक किया, उसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेल चेंज किया, न्यू सेल डाला, फिर भी वो काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने सेंसर चेक किया, सेंसर भी सही था, रिमोट का सेंसर वो भी सही था, डिस्प्ले सेंसर वो भी सही था, लेकिन फिर भी रिमोट नहीं काम कर रहा था। एक चीज़ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों कस्टमर्स के यहाँ, आप लोगों के यहाँ स्प्लिट एसी या विंडो एसी का रिमोट काम नहीं करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हो कि रिमोट ख़राब हो गया है या ऐसा कुछ है। तो मैं आज आप लोगों को एक अच्छा एक तरीक़ा बता देता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो लोग आप देख लें कि वो तरीक़ा क्या है। अगर कभी आपके उसमें रिमोट में दिक्कत आए तो आप लोग अपने जो भी आपके पास हैंडसेट है, मोबाइल है, उसका कैमरा ऑन कर लें। और कैमरा ऑन करने के बाद जैसे ये है, इसका मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद ये एक मल्टी रिमोट है मेरे घर के एसी का, उसको जो है आप ये यहाँ पे सेंसर दिया होता है मोबाइल में, इस मोबाइल के सेंसर को आप अपने कैमरे के नीचे रखेंगे। और कैमरे के नीचे रखेंगे जब आप, तो अपनी डिस्प्ले पे आप यहाँ पे देखिए, ऊपर वाल ये ऐसा मैं दिखा रहा हूँ, देखिए जब मैं यहाँ पे अगर रिमोट का कोई भी बटन दबाऊँगा तो इसमें आपको ये देखिए, आपने साउंड भी सुना होगा और यहाँ पे एक फ्लैश अंदर, ये देखिए हमारा एसी ऑफ हो गया। तो ये इंडिकेशन है, ये एक तरीक़ा है जिससे हम पता लगा सकते हैं अपने मोबाइल से कि हमारा रिमोट सही है, रिमोट में कोई ख़राबी नहीं। और कभी कभी ये फ्लैश अगर फ्लैश नहीं आ रहा है तो आप सेल बदल के देख लें। सेल बदलने के बाद अगर आपके रिमोट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सेल वीक होगा तो ये फ्लैश आपका मोबाइल पे नहीं शो होगा, और इसका मतलब ये होगा कि आपके रिमोट में कोई प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, यही था एक तरीक़ा जो मैंने सोचा आपको साथ साथ बताता चलूं। इसमें ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं किसी टेक्नीशियन को ना बुला के। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने प्रॉपरली पूरे रिमोट को चेक किया, उसका सेल न्यू चेंज करके देखा, लेकिन फिर भी नहीं काम कर रहा था। उसका सेंसर भी मैंने सारे चेक कर लिए, रिमोट को मैंने इस तरह चेक किया, रिमोट काम कर रहा था, लेकिन
एसी पे काम नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स क्या हुआ ऐसा कि मेरे माइंड में ये चीज़ आई, तो मैंने ज़रा सा रूम पे ध्यान दिया। जब ध्यान दिया तो देखा कि एसी के टॉप, एसी के जो छत थी टॉप पे, एसी की करीब 2 1.5 2 फीट के ऊपर एक सीएफएल लगा हुआ था। ये जो आपका सीएफएल बल्ब होता है ये लगा हुआ था और ये ऑन था। तो पता नहीं क्यों ऐसे ही एक्सपीरियंस है मुझे, 2006 से मैं इस लाइन में हूँ और एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा इसी तरह आता है कि अपना दिमाग लगा के और प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। तो मेरे ध्यान में ये बात आई, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैंने उस चीज़ को करके देखा। मैंने जो भी कस्टमर था उससे बोला कि आप एक काम कर सकते हैं, ये इसका स्विच ऑफ़ कर दिए। तो उसने बोला ठीक है ऑफ़ कर देते हैं, उसने ऑफ़ कर दिया। जब उसने सीएफएल को ऑफ़ किया तो मैंने रिमोट को फिर से चला के देखा, तो जैसे ही रिमोट को मैंने चलाया काम करने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि सीएफएल ऑन करिए, तो उसने जब ऑन किया तो रिमोट फिर रुक गया। तो फ्रेंड्स यही एक चीज़ थी जो एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और जो कि जो उनके यहाँ पुराना टेक्नीशियन था उसके समझ में नहीं आ पा रहा था, और जो कि मैंने उसको सॉल्व किया, और कस्टमर भी मेरा जो न्यू था वो बहुत खुश हुआ, और उसके बाद उसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा इसीलिए था कि कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सामने होती हैं लेकिन नज़र नहीं आती हैं। तो ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था और ये 2 दिन पहले की बात है। मैंने सोचा आज इस वीडियो को आप तक पहुंचाऊं, और कुछ मेरे भाई लोग जो टेक्नीशियन हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, हो सकता है कि मेरी वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और हो सकता हो कि ऐसे केसेस उनके भी लाइफ में आते हों। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक पे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।